गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें जो आपको रेशनल नंबर दे रखे हैं उनको किस में स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले रेशनल नंबर समझ लेते हैं क्या होता है। रेशनल नंबर मैंने आपको कल समझाया था जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहते हैं, और क्यू कभी भी जो क्यू रहता है वो जीरो नहीं होता। तो आप सभी क्वेश्चन में देख सकते हैं क्यू जीरो दे रखा है यहाँ पर, नहीं दे रखा है, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि फॉलोइंग रेशनल नंबर, मतलब जितने भी दे रखे हैं वो रेशनल नंबर है, अपॉन में जीरो किसी में भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं -35/98, वो किस में, ये रेशनल नंबर है -35/98, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है जिसमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा हो। कॉमन फैक्टर मतलब क्या, दोनों में 7 से डिवाइड हो, दोनों 5 से डिवाइड हो, 2 से, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होता है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ पूरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए है मेरे पास -35/98, माइनस का अभी हमें कोई मतलब नहीं है, माइनस हम बाद में यूज़ कर लेंगे, अभी माइनस का कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए अब क्या है, 35/98 अपॉन में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें क्या करना है, 35/98 का सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF। बस आपको एक ही काम करना है, सिर्फ HCF निकालना है तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। HCF ऑफ 35/98, 35/98 का मैं HCF निकालूंगा, तो आपने कर रखा होगा 7th और 6th में HCF पढ़ रखे होंगे कैसे निकालते हैं। तो मैं दोनों के फैक्टर निकालूंगा 35/98, 2 से डिवाइड देता हूं तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, और ये डिवाइड किससे जाएगा, 5 से डिवाइड जाएगा, क्योंकि 5 7 कितना होता है 35, 5 7 35, और 7 किससे डिवाइड होगा, 7 से 7 1 7, मतलब 35 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 7, क्योंकि दो फैक्टर आ गए, और ये मल्टीप्ली फैक्टर जो भी आते हैं हमेशा मल्टीप्लाई में आते हैं, मतलब दोनों का बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 5 7 35, तो 35 को लिख दिया मैंने 5 7। 98 किससे डिविजिबल है, 2 से डिवाइड देंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 49 टाइम्स जाएगा, कैसे, 2 4 8, 2 5 10, मतलब 9 लाना है तो क्या होगा, कम से डिवाइड देंगे, 2 4 8, 1 कैरी बचेगा हमारा 1, 2 9 18। अगर आपको इसे समझ में आए तो आप डिवाइड देके देख सकते हैं, 98 में 2 का 2 से डिवाइड देंगे तो आपका 49 टाइम्स आएगा, 98 ये मैंने आ गया 49। और 49 किससे डिवाइड होगा, 7 की टेबल में आता है, 7 7 जे कितना होता है 49, और 7 किससे जाएगा, 7 से डिविजिबल। तो आपका 98 के फैक्टर मैंने आपको समझाया, जो भी फैक्टर आते हैं हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएंगे, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, तो 98 को लिख सकता हूँ मैं 2 7 7। अब HCF कैसे निकालते हो मैं आपको बताता हूँ, हमें दोनों में देखना है दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या 5 है, नहीं दिख रहा है, नहीं है 5, तो मतलब 5 नहीं आएगा। यहाँ पर 7 दे रखा है, यहाँ पर 7 है क्या, तो यहाँ पर 2 बार 7 है, लेकिन हमें 2 बार 7 ना लेते हुए कितनी बार लेना है, 1 ही बार 7 लेना है, क्योंकि ऊपर 1 ही 7 है। मान लीजिए अगर ऊपर 1 7 और होता तो हम दोनों 7 को साथ में ले सकते थे, लेकिन अभी ऊपर 7 नहीं है तो मैं यहाँ पर कह लूँगा सिर्फ 7, आगे डिजिट हमारे पास नहीं है, तो हमारा HCF कितना आएगा, 7। मैं आपको एक क्वेश्चन और इसी में समझा देता हूँ, मान लीजिए 1 7 और होता है यहाँ पर, ऊपर भी 7 होता और नीचे भी 2 7, तो आपका HCF कितना बनता। तो देखिए ये 7 और ये 7 आ गए कॉमन, 1 7 ही है और 1 7 ही है, ये दोनों भी आ जाएंगे बाहर, और इन दोनों के बीच में साइन आएगा मल्टीप्लाई, 7 7 जो कितना होता 49, आपका HCF कितना होता 49, दो फैक्टर, लेकिन अभी आपके 7 है ही नहीं, तो आपका सिर्फ HCF कितना आएगा, मान सिर्फ 7 आएगा, ये 7 और 7 कॉमन, तो आपका HCF आ गया 7। अब करना क्या है, सिर्फ HCF निकालने का बोला था मैंने कि HCF निकाल लो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिंप्लीफाई। जो भी HCF आए उससे आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, -35/7, दोनों को डिवाइड कर दो आप, 98/7, 35 में 7 का डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर आएगा -5। आप आंसर डिवाइड देके देख सकते हैं आपका आंसर कितना आएगा, -5, 7 5 35, और 98 में आपका 7 7 से डिवाइड देंगे तो आपका, मैं देके देख लेता हूँ क्या आएगा, 98 से 7 में अगर डिवाइड दूँगा, 7 1 7, 2 8, 7 4 28, तो आपका आएगा 14, आंसर क्या आएगा आपका 14। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब -35/98 को आप लिख सकते हो -5/14, ये आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, जो कि स्मॉल होता है जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन हर एक में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर था, क्या था कॉमन फैक्टर, मेरा 7 था, इसलिए मैंने HCF निकाला। HCF का मतलब आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में कॉमन हो, इसलिए मैंने HCF निकाला है, और दोनों से डिवाइड दे दिया, कॉमन फैक्टर बचेगा ही नहीं तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा ही नहीं। -5/14 से आप, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है -5/14 का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि -5/14 ही होगा, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है,
क्योंकि आगे कोई कॉमन फैक्टर यहाँ से हमारा नहीं बच रहा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला, बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपको अब दो दो रेशनल नंबर दे रखे हैं तो आपको बताना है कि ग्रेटर पेयर कौन से हैं, मतलब दोनों माइनस फाइव बाय फोर और सिक्स बाय माइनस सेवन में से ग्रेटर मतलब बड़ा कौन है। तो हम करने का तरीका देखते हैं कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ तो अपॉन में और देख के आप नहीं बता सकते हो कि ये बड़ा आएगा ये बड़ा आएगा, क्योंकि आप डिवाइड करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन हम यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे। शॉर्ट फॉर्म मेथड देखेंगे मेथड क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसको हमें क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा, माइनस फोर बाय फाइव और सिक्स बाय माइनस सेवन, मतलब इसको सही तरीके से रखना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में माइनस दे रखा है और कभी भी अपॉन में माइनस नहीं होता है, हमेशा माइनस कहाँ आता है ऊपर की ओर आता है। तो मैं सेवन का माइनस कहाँ रख दूंगा, ऊपर की ओर लगा दूंगा, माइनस सिक्स हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ अब ध्यान रखना कि कैसे पता करो ग्रेटर कौन सा है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना वो मैं आपको बता देता हूँ। माइनस फोर बाय फाइव माइनस सिक्स बाय सेवन, ये मैंने वैल्यू लिखी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो मेरा जो एरो इसका आप ध्यान रखना, मैं एरो क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ से फाइव का एक डिनोमिनेटर है दूसरे न्यूमिनेटर में, लेकिन मैंने एरो कहाँ पर बनाया है वो देखना, मैंने एरो यहाँ पर नहीं बनाया है, एरो कहाँ पर बनाया है ऊपर की ओर बनाया, मतलब एरो हमेशा कहाँ बनेगा ऊपर की ओर। अब सेवन और माइनस फोर, तो मैं एरो यहाँ बनाऊँगा सेवन की तरफ या फोर की तरफ, तो मैं एरो कहाँ बनाऊँगा फोर की तरफ, हमेशा एरो आपको ऊपर बनाना है। तो आपका जो मल्टीप्लाई होगा वो किस फॉर्म में होगा, ऊपर की ओर आएगा, ना कि अपॉन में आएगा। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सामने वाले को अपोजिट के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले किसका होगा, अब देखिए ये यहाँ पर है, ये फोर की तरफ एरो है, तो फोर की तरफ किसका एरो, सेवन का, सेवन का मल्टीप्लाई माइनस फोर में, कितना आएगा मेरा माइनस ट्वेंटी एट। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि एक प्लस का साइन है एक माइनस का, तो मैं आपको करके बता देता हूँ, सेवन इंटू माइनस फोर, सेवन फोर से कितना होता है ट्वेंटी एट, इतना पता है, लेकिन जब एक माइनस का और एक साइन प्लस का होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कौन सा आता है हमारा, माइनस का साइन आता है। ये हो गया मेरा सेवन का मल्टीप्लाई माइनस फोर में। अब फाइव का मैं मल्टीप्लाई सिक्स में करूँगा, लेकिन वो कहाँ पर लिखूँगा मैं, सिक्स के नीचे, क्योंकि सिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फाइव सिक्स का कितना हो जाएगा मेरा थर्टी, फाइव का मल्टीप्लाई सिक्स में तो मेरा हो जाएगा थर्टी, और वो भी कैसा माइनस का, क्योंकि माइनस सिक्स है। अब यहाँ से आप बता दो दोनों में से माइनस ट्वेंटी एट ग्रेटर या माइनस थर्टी एट ग्रेटर है। तो अगर मैं माइनस देखा जाए तो माइनस में आपको बताना मुश्किल होगा कि माइनस में कौन सा ग्रेटर है, आप ऐसा लग रहा होगा कि थर्टी ग्रेटर है क्योंकि थर्टी है, लेकिन जब माइनस में उल्टा होता है, माइनस में जब जो छोटा होता है वही ग्रेटर होता है, यहाँ पर छोटा कौन है ट्वेंटी एट है, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटर, क्योंकि माइनस का आपको बता दूँ मैं माइनस वन और माइनस टू दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो माइनस वन ग्रेटर है ना कि माइनस टू, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी डिजिट होती है वो उतनी ही क्या होती है छोटी होती है। तो यहाँ माइनस में थर्टी बड़ा है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका छोटा है, थर्टी हमें देखने में लग रहा है ट्वेंटी एट से बड़ा है, लेकिन माइनस में क्या है ये छोटा, उल्टा चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में क्या उल्टा चलता है। अगर दोनों पॉजिटिव होते ये तो मेरा बड़ा कौन सा हो जाता, थर्टी बड़ा हो जाता, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो अब बड़ा कौन सा हो जाएगा मेरा ट्वेंटी एट हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा ट्वेंटी एट। अब ट्वेंटी एट के ऊपर कौन सी वैल्यू है, माइनस फोर बाय फाइव, मतलब आपका ग्रेटर क्या हो जाएगा माइनस फोर बाय फाइव, आपका ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी, ट्वेंटी एट बड़ा है मतलब ऊपर क्या आता है माइनस फोर बाय फाइव, तो आपके माइनस फोर बाय फाइव क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा।